हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उस स्टॉक का नाम है श्री रेणुका सुगर्स लिमिटेड कंपनी। ये देखिए जून 2020 में ये केवल 6.30 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा था और फिर अप्रैल 2021 में ये 12 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा था और फिर दिसंबर 2021 में इसने 29.60 पैसे को भी टच किया है और फिर नवंबर 2022 में इसने 58.15 पैसे को भी टच किया है और किसी समय इसने 115 रुपये को भी टच किया था। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो हर साल ही आपको रिटर्न निकाल के ये कंपनी देने लग रही है और ये जो कंपनी है इसको 1995 में बनाया गया था और इस कंपनी में 1962 एम्प्लॉय काम करते हैं और ये श्री रेणुका सुगर्स लिमिटेड कंपनी एक कृषि व्यवसाय और जैव विज्ञान निगम है। ये जो कंपनी है ये चीनी बनाने का काम करती है, ये जो इथेनॉल होता है उसको बनाने का काम करती है और जो ये बिजली होती है उसको बनाने का काम ये करती है और जो ये इथेनॉल होता है ये हमारी जो पेट्रोल की जो कंपनियां हैं उसमें भी 10% यूज होता है। तो 2025 तक सरकार का लक्ष्य है कि ये जो पेट्रोल वाली कंपनियां हैं ये 10% की बजाय इसको 25% इथेनॉल का पेट्रोल बनाते वक्त यूज करे जिससे कि हमारी जो पेट्रोल के ऊपर निर्भरता है वो कम हो जाएगी। और दूसरा जो ये इथेनॉल होता है इसका प्रयोग कई तरह की बियर होती है उसमें भी होता है और कई तरह की जो ब्रांडी होगी विस्की होगी उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो शराब बनाने वाले जो प्रोडक्ट हैं उसमें भी इसका प्रयोग होता है। ये जो कंपनी है इसके पास पूरी तरह से इंटीग्रेटेड चीनी बनाने वाली मिलें हैं। प्रोडक्ट बनाने के लिए गुड़ खोई और जो प्रेस मड होता है उसका प्रयोग किया जाता है। इसके पास इंडिया में भी 6 चीनी की मिलें हैं। इनकी जो कैपेसिटी है वो टोटल 36,500 टीसीडी की है। इनके पास 2 पोर्ट आधारित चीनी रिफाइनरीज भी हैं। इनकी जो कुल कैपेसिटी है वो 5500 टीपीडी की है और इस कंपनी के पास 567 मिलियन केडब्ल्यूएच बिजली बनाने की क्षमता भी है और इसमें से ये 49% का यूज अपनी जो चीनी की मिले हैं उसमें करती है और बाकी की जो बिजली बच जाती है उसको ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को ये बेच देती है और इसकी जो बिजली बनाने की क्षमता है वो एक रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आधारित है। ये जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है ये ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत होता है, जैसे कि सौर ऊर्जा होगी, पानी से बिजली बनाना हो गया, तो ये ऊर्जा का नया खत्म होने वाला एक सोर्स है। और ये जो कंपनी है ये पीने योग्य अल्कोहल और ईंधन ग्रेड इथेनॉल का बनाने का काम ये करती है। ये जो इथेनॉल होता है इसको पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाता है और इसको बनाने की कुल जो क्षमता है इसकी 730 किलो लीटर्स पर डे के हिसाब से है और ये अपनी सब्सिडियरी कंपनी KBK केम इंजीनियरिंग के साथ शराब, इथेनॉल, चीनी और जैव ईंधन प्लांट के जो सॉल्यूशन होते हैं उसको भी करने का काम ये करती है और ये अपना जो रिवेन्यू जनरेट करती है वो शुगर से, इथेनॉल से, बिजली से, तो इन्हीं से इसका जो रिवेन्यू होता है और इसका जो मोस्ट ऑफ द रिवेन्यू होता है वो होता है शुगर से और भारतीय बाजार से ये 36% का रिवेन्यू जनरेट करती है और जो एक्सपोर्ट करके जो रिवेन्यू जनरेट करती है ये 64% का करती है। ये कंपनी बाद में पैकेज शुगर सेगमेंट में मार्केट लीडर भी है और ये मधुर ब्रांड के तहत अपने ब्रांडों की मार्केटिंग करती है। अभी इसका जो मुख्य फोकस है वो इसका जो इथेनॉल का जो प्लांट है उसकी जो कैपेसिटी हो 720 KLPD से बढ़ा के ये 1400 KLPD करना चाहती है और इसके लिए लगभग 6500 मिलियन रुपये को भी खर्च करेगी और अभी ये जैव ईंधन इथेनॉल के उत्पादन के साथ साथ ये हरित ऊर्जा कंपनी भी बनने का प्रयास करने लग रही है। ये तो ये जो कंपनी है ये मुख्य रूप से शुगर बनाने का काम करती है, ये इथेनॉल बनाने का काम करती है, ये बिजली बनाने का काम ये करती है और ये थोड़ी बहुत अल्कोहल बनाने का काम भी ये करती है। ये एक स्मॉल मार्केट कैप कंपनी है, इसकी जो मार्केट कैप है वो 9,387 करोड़ की है और इसका जो 92 इकाई है वो 68.80 रुपये है और जो लो है वो 38.90 रुपये है और अभी इसके ऊपर जो करंट लाइबिलिटीज हैं वो 4,201 करोड़ की हैं। इसकी जो टोटल एसेट है वो लगभग 6500 करोड़ रुपए की है। अगर आप इसकी सेल्स देखोगे तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में इसने 2188 करोड़ रुपए की सेल्स की है और दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इसने 2592 करोड़ रुपए की सेल्स की है और इसकी जो अदर इनकम है वो भी क्वार्टर वाइज 12 करोड़ की, 16 करोड़ की, 17 की ऐसे हो जाती है। इसका जो नेट प्रॉफिट है वो
14 करोड़ का, यहाँ पे माइनस 142 करोड़ का, क्योंकि इसके जो एक्सपेंसेस थे वो कहीं ज़्यादा हो गए थे, और इससे पहले 159 करोड़ का पॉजिटिव, तो ऐसा इसका नेट प्रॉफिट भी होता रहता है। और अगर आप इसके ऊपर कर्जा देखोगे तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत कर्जा भी है, इसके ऊपर अभी 5420 करोड़ का कर्जा है, और इसकी जो रिजर्व कैपिटल है वो थोड़ी नेगेटिव है 1143 करोड़ की, और इसकी जो शेयर कैपिटल है वो 213 करोड़ की है, और इसका CWIP यानी कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है 451 करोड़ के, ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि अभी बनने लग रहे हैं। अभी जो ये कंपनी सेल्स करने लग रही है, ये 3912 करोड़ की जो फिक्स एसेट है उसके ऊपर ये कंपनी सेल्स करने लग रही है। तो जैसे इसके जो प्रोजेक्ट बन जाएंगे तो ये जो कंपनी है इसकी जो सेल्स भी बढ़ जाएगी और इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी बढ़ जाएगी, और इसकी जो टोटल एसेट है वो 6517 करोड़ की है, और इसमें जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 62.48% की इसमें बनी हुई है, और जो ये होल्डिंग है ये कहीं भी प्लेज नहीं है, और जो FII है उनकी जो होल्डिंग है इसमें 4.34% की बनी हुई है। और ये देखिए ये जो FII है लगातार ये अपनी होल्डिंग को इसमें बढ़ाने लग रहे हैं, और जो DII है उनकी जो होल्डिंग है इसमें 10.10% की बनी हुई है, जो कि एक बहुत ही अच्छी होल्डिंग कही जाएगी। तो अभी ये 44 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा है। इसके जो एडवांटेज हैं वो ये हैं, इसकी जो टोटल एसेट है वो काफ़ी अच्छी है, वो लगभग 6500 करोड़ रुपए के करीब है, और इसमें जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और इसकी जो सेल्स है वो लगातार होने लग रही है। और इसके जो डिसएडवांटेज वो ये हैं, इसकी जो रिजर्व कैपिटल है वो थोड़ी नेगेटिव है, और इसके ऊपर थोड़ा बहुत कर्जा भी है। तो अगर आप इसको एक लॉन्ग टाइम पर्पज से बाई करना चाहते हैं, तो अगर आप इसको इसी प्राइस के ऊपर भी लेके बाई करेंगे तो आपको इसमें बहुत ही अच्छे प्रॉफिट दिखाई दे सकते हैं, और अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा बहुत इसमें और भी करेक्शन होने की संभावना है। और जैसे ये जो स्टॉक है 35 रुपये से नीचे आएगा तो तब इसमें थोड़ा बहुत और भी करेक्शन हो सकता है, और ये जो स्टॉक है आपको 28 रुपये के ऊपर भी ट्रेड करता हुआ आसानी से दिखाई दे सकता है, तो तब जाके आप अपनी बाइंग को इसमें बना सकते हैं। तब तक आप अपनी इसको वॉच लिस्ट में रख के वेट कर सकते हैं। ये जो कंपनी है ये केवल शुगर ही बनाने का काम नहीं करती, बल्कि ये इथेनॉल भी बनाती है, एल्कोहल भी बनाती है, ये बिजली बनाने का काम भी ये करती है। तो आप अगर आप एक शुगर स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो ऐसे ही स्टॉक को बाय करें जो केवल ना केवल चीनी बनाती है बल्कि इथेनॉल भी बनाती हो, बिजली भी बनाती हो, और शराब बनाने का काम भी करती हो। इसका जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। सो आई हो दोस्तों आपको जो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।